जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं ऋषि शुक्ला स्वागत करता हूं आज की वीडियो के साथ आपका। और पिछली कक्षा तक हम लोग देख चुके थे बेसिक ओवरव्यू ऑफ कास्टिंग, एंड कास्टिंग इज नॉट ए न्यू प्रोसेस, इट हैज बीन ऑलरेडी यूज्ड इन यूज फ्रॉम लाइक व्हाट 5000 6000 इयर्स बैक। ठीक है, मेसोपोटामिया में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में देख लिए हम लोग, ठीक है, चोलास में देख लिए, और डिफरेंट डिफरेंट एरास में इसका यूज होते आया है। ठीक है ना, तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लिए कि भैया कास्टिंग प्रोसेस अगर यूज करते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए तो उसमें क्या फायदा है, ठीक है, और किस केस में उसका यूज नहीं करते। ठीक है ना, मास प्रोडक्शन चाहिए, बताओ मास प्रोडक्शन चाहिए, ठीक है, तो कौन सा प्रोसेस यूज करोगे? 5 लाख प्रोडक्ट बनाना है, कौन सा प्रोसेस यूज करोगे? कास्टिंग यूज करोगे, है कि नहीं? कुछ कुछ ऐसा मटेरियल है, ठीक है, जिसको और कोई तरीका से उसका शेप चेंज किया ही नहीं जा सकता है, जैसे कास्ट आयरन। कौन प्रोसेस यूज करोगे? कास्टिंग। मेल्ट तो कर ही सकते हो उसको, ठीक है ना। अब डिसएडवांटेज क्या है भैया उसका? तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी एनहांस नहीं हो पाता है, किसका? प्रोडक्ट का। ठीक है, जो प्रोडक्ट तुमको चाहिए, क्रेन हुक बताए थे तुमको, ठीक है ना, तो क्रेन हुक जो है उसको किससे बनाएंगे हम लोग भैया? तो फोर्जिंग से बनाते हैं। कहा है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी एनहांस करना है, उसको लोड बियर करना है ना भाई, बहुत ज्यादा लोड बियर करना है। क्रेन हुक को देखो ना, कितना भारी भारी चीज उठा लेता है, ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो अब आ जाओ टाइप्स ऑफ कास्टिंग के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, तो टाइप्स ऑफ कास्टिंग में क्या है? ठीक है, दो प्रकार का होता है, एक्सपेंडेबल मोल्ड और नॉन एक्सपेंडेबल मोल्ड। ठीक है, एक्सपेंडेबल मोल्ड का मतलब क्या होगा? एक्सपेंडेबल कोई भी सामान अगर एक्सपेंडेबल मतलब उसको खर्च किया जा सकता है। एक्सपेंडेबल मोल्ड तो जो मोल्ड बनाए हो जिसमें कैविटी है, मोल्ड है, मोल्ड के अंदर कैविटी है जिसमें तुम मोल्टेड मेटल पोर कर दो, ठीक है, तो जो मोल्ड है हर एक प्रोडक्ट बनने के बाद मोल्ड को तोड़ रहे हो, मोल्ड को क्या कर रहे हो? तोड़ रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंडेबल मोल्ड कास्टिंग। गॉट इट? समझ गए कि नहीं? ठीक है, और एक तो एक्सपेंडेबल हो सकता है, एक तो नॉन एक्सपेंडेबल हो सकता है। ठीक है, सैंड कास्टिंग में क्या है? एक्सपेंडेबल। हर एक बार बनाने के बाद तुम क्या कर रहे हो? हथौड़ी मार करके उसको तोड़ ले रहे हो, बाहर का सामान और अंदर का माल निकाल ले रहे हो, जो फाइनल कास्ट है तुम्हारा। ठीक है, और नॉन एक्सपेंडेबल मोल्ड मतलब क्या हो? जैसे तुमको कार्बोरेटर बनाना है, ठीक है ना, तो कार्बोरेटर बनाते हो किससे? डाई कास्टिंग से। ठीक है, डाई कास्टिंग में जो मोल्ड बनता है वो मेटल का रहता है। किसका रहता है? मेटल का। ऐसा नहीं कि एक बार प्रोडक्ट बना तो तोड़ दिए, फिर से पूरा मोल्ड बना रहे हैं और फिर से मेल्टिंग एंड सॉलिडिफिकेशन कर रहे हैं, नहीं, एक बार मोल्ड बना दिए, 500 पीस निकल गया, ठीक है, समझ पा रहे हो? तो मोल्ड क्या है? परमानेंट, समझ रहे हो कि नहीं? उसमें क्या था सैंड कास्टिंग में? हर एक बार मोल्ड को क्या कर रहे हो? तोड़ रहे हो। मोल्ड क्या है? एक्सपेंडेबल है, मोल्ड को खर्च किया जा सकता है। गॉट इट? चलो, अब एक्सपेंडेबल मोल्ड में क्या है? दो प्रकार का है। जो पैटर्न यूज कर रहे हो, देखो पैटर्न क्या है। जैसे मान लो तुमको बनाया था ना फर्स्ट लेक्चर में, हम क्या बनाया तुमको कि जो तुमको शेप देना है ब्रॉन्ज का, नटराज की मूर्ति थी, भोलेनाथ की मूर्ति थी नटराज फॉर्म में, ठीक है, तो जो तुमको शेप देना है तुम पहले क्या किए? उसका सिमिलर शेप बनाए, किसमें? वैक्स में बनाए कि नहीं? तो वैक्स से जो सामान बनाए वो हूबहू लगभग मिल रहा था किससे? फाइनल जो ब्रॉन्ज बनाना है, तो वैक्स से जो सामान बना रहे हो उसको क्या बोलेंगे? पैटर्न बोलेंगे। रेप्लिका है वो किसका? जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका, ठीक है। अब देखो एक्सपेंडेबल मोल्ड कास्टिंग था, उसमें क्या है? पैटर्न एक्सपेंडेबल हो सकता है और पैटर्न परमानेंट हो सकता है। मान लो जो पैटर्न बना लिए किसका? मेटल का। मेटल का पैटर्न नहीं बना सकते, एकदम बना सकते हो, ठीक है। तुम पहले क्या किए? पैटर्न बनाने के लिए वैक्स का या फिर किसी भी चीज का, लकड़ी का, तुम ये बना लिया पैटर्न, समझ रहे हो कि नहीं? उसको यूज करके मेटल का पैटर्न बना लिया। अब उस मेटल का पैटर्न को यूज करके तुम फर्दर कास्टिंग कर रहे हो, ठीक है। अब मेटल का जो पैटर्न होगा उसका लाइफ ऑब्वियसली ज्यादा होगा, ठीक है। मान लो तुम लकड़ी का यूज करके पैटर्न बना रहे हो, वुड कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ पैटर्न। जैसे लट्टू बनाना है, देखो ना तुम कैसा कैसा शेप दे सकते हो लकड़ी में, जैसा शेप चाहो वैसा से दे सकते हो लकड़ी में, लेकिन मेटल में शेप वैसा देना आसान बात है क्या भाई? बहुत दिक्कत, ठीक है। तो पैटर्न बनाना है, पैटर्न क्या है? रेप्लिका है किसका? फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो पैटर्न है, पैटर्न भी खर्च किया जा सकता है, समझ पा रहे हो नहीं? Yes, और मेटल पैटर्न बना दिए, मेटल पैटर्न क्या रहेगा? 500 प्रोडक्ट बना दोगे, 1000 प्रोडक्ट बना दिए या फिर 20000 प्रोडक्ट बना दिए, तब तक तुम्हारा क्या रहेगा? पैटर्न कुछ होगा क्या? पैटर्न वैसा ही वैसा रहेगा। लेकिन लकड़ी का क्या होगा? 3-4 प्रोडक्ट 5 प्रोडक्ट बनाने के बाद क्या होगा? वो खराब होगा। जैसे लकड़ी क्या रहता है ना, जैसे सैंड कास्टिंग करोगे तो सैंड में क्या रहेगा? पानी भी रहेगा, सैंड रहता है, क्ले रहता है और पानी रहता है, तो पानी जो होगा वो एब्जॉर्ब करेगा कौन? लकड़ी को। और लकड़ी क्या करेगा? स्वेल कर जाएगा। तो तुम सोच रहे थे कि इतना साइज होना चाहिए मेरा, अब ओवर साइज पैटर्न हो गया तुम्हारा, समझ रहे हो ठीक है। तो एक्सपेंडेबल बॉन्ड क्या बोलते हैं जो पैटर्न है वो क्या हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है और टेम्पररी। समझ आ रहा है कि नहीं आवाज का। जैसे वो क्या था तुम्हारा मरकरी सॉरी जो वैक्स से बनाया था पैटर्न, तो हर एक बार पैटर्न को क्या कर रहे हो तुम खर्च कर दे रहे हो, तो वो एक्सपेंडेबल हो गया कि नहीं। यस सर, एक्सपेंडेबल पैटर्न कास्टिंग हुआ कि नहीं ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट कास्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। अब मान लो वो इवेपोरेटिव कास्टिंग। इवेपोरेटिव क्या है, जो पैटर्न बनाए हो तुम पॉलीयूरेथेन फॉर्म का बनाए हो, मतलब जो थर्मोकॉल होता है ना वे थर्मोकॉल से, थर्मोकॉल को किसी भी शेप में काट सकते हो कि नहीं, आसानी से काट सकते हो। तो थर्मोकॉल का यूज करके हम लोग क्या किए पैटर्न काटे। अब पैटर्न को वहां पे रख दिए जहां पे तुमको कास्टिंग करना है ठीक है ना, मोल्ड बनाना है तुमको। अब चारों तरफ से बालू पैक कर दिया। अब जैसे जैसे मोल्टेड मेटल जाएगा वैसे वैसे वो क्या होगा इवेपोरेट होते जाएगा, वो निकल गया और तुम्हारा शेप ले लिया कौन, मोल्टेड मेटल। समझ लो कि नहीं ठीक है, उसको क्या बोलते हैं इवेपोरेटिव बोलते हैं। प्लास्टर मोल्ड हो गया क्या, प्लास्टर मोल्ड जैसे हाथ मोल्ड टूट गया तो CaSO4 हाफ एस को यूज करते हो ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस ईओपी जिसको बोलते हैं रहे कि नहीं। तो मतलब क्या करते हो, दूसरे का हाथ टूट गया तो बोला निकाल के उसको लगा दिया क्या हर एक बार तोड़ते हो उसको भाई ठीक है। तो पैटर्न ये क्या है, किस प्रकार का पैटर्न, एक्सपेंडेबल पैटर्न है कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं ठीक है। और सैंड कास्टिंग में तो ऑब्वियस हर एक बार लोगों को बनाने के बाद तोड़ना है ठीक है, समझ पा रहे हो ना ठीक है। अब इधर क्या हो गया नॉन एक्सपेंडेबल मोल्ड में, क्या बताया तुमको मोल्ड क्या है मेटल का है ठीक है, तो उसको बार बार तुम क्या कर रहे हो तोड़ नहीं रहे हो ठीक है। जैसे डाई कास्टिंग हो गया, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग हो गया, प्रेशर कास्टिंग हो गया, ये सब क्या है परमानेंट मोल्ड कास्टिंग। मोल्ड जो है वो परमानेंट, मतलब 500 रन 600 रन 1000 रन तो प्रोडक्ट निकाल सकते हो। गेट इट, ये टाइप ऑफ कास्टिंग हो गया पूरा क्लियर ठीक है। चलो आ जाओ अगला स्लाइड में देखते हैं ठीक है। तो यही बात यहां पे लिखा हुआ है, देखो एक्सपेंडेबल मोल्ड प्रोसेस यूजेस एन एक्सपेंडेबल मोल्ड व्हिच मस्ट बी डिस्ट्रॉयड टू रिमूव कास्टिंग। जैसे वहां सॉल्टिफिकेशन हो गया ठीक है, अब अंदर का माल तुमको बाहर निकालना तो तुमको क्या करना पड़ेगा, बाहर की चीज को तोड़ना पड़ेगा। तो उसलिए क्या हो गया वो एक्सपेंडेबल मोल्ड, मोल्ड को खर्च किया जा सकता है ठीक है, समझ गए। तो मोल्ड मटेरियल क्या होगा इसमें, सैंड, प्लास्टर एंड सिमिलर मटेरियल प्लस बाइंडर। बाइंडर क्या है बताइए थोड़ा देर ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना। अब ये परमानेंट मोल्ड का प्रोसेस क्या होगा, यूजेस अ परमानेंट मोल्ड व्हिच कैन बी यूज्ड मेनी टाइम टू प्रोड्यूस मेनी कास्ट ठीक है। मोल्ड मटेरियल क्या हो जाएगा मेटल का हो जाएगा, थोड़ा देर पहले सब बता चुके इज इट ठीक। अब देखो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ठीक है, किसका एक्सपेंडेबल और परमानेंट है कि नहीं। बालू से बना है मोल्ड और एक तो मेटल से मोल्ड बना है, तो दोनों का रिलेटिव एडवांटेज डिसएडवांटेज देखना पड़ेगा भाई कि कहां कौन सा इस्तेमाल करेंगे, इज इट, समझ आ रहा है ना ठीक है। अब देखो मोर इंट्रिकेट ज्योमेट्रीज आर पॉसिबल विद एक्सपेंडेबल मोल्ड प्रोसेस। ये क्या है, अगली बार हमको तोड़ देना है, क्या करना है तोड़ देना है, तो जैसा मन वैसा देंगे भाई, अंदर में सबको दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, समझ रहे हो ना। अब तुम थर्मोकॉल यूज किए हो और एक जगह मेटल यूज कर रहे हो, तो थर्मोकॉल में शेप देना ज्यादा आसान है कि मेटल में शेप देना ज्यादा आसान है भाई बताओ, थर्मोकॉल में आसान है ना। अब लकड़ी में शेप देना है, तो लकड़ी में तो आसानी से कोई भी बढ़ा नहीं देगा। यस अरे है कि नहीं, समझ पा रहे हो नहीं। परमानेंट मोल्ड प्रोसेस आर मोर इकोनॉमिक इन हाई प्रोडक्शन। अब जैसे मान लो तुमको 5 लाख कार्बोरेटर बनाना है, तो तुम क्या करोगे, ये वाला यूज करोगे, हर एक बार बना के तोड़ते रहोगे तो अगला साल तक डिमांड को मीट कर पाओगे भाई। तो क्या किया परमानेंट मोल्ड, एक मोल्ड बनाए 500 प्रोडक्ट बना दिए, ऐसे ऐसे 10 को बना दिए, अरे नहीं तो 5000 प्रोडक्ट मिल गए, समझ पा रहे हो क्या बात कर रहा है ठीक है ना। ये उसका रिलेटिव एडवांटेज और डिसएडवांटेज, समझ पा रहे हो ना। चलो अब आ जाओ प्रोसेस इन कास्ट। पूरा जो कास्टिंग हो रहा है ठीक है, इसको 3-4 भाग में बांट। तो तुम सबसे पहले क्या करोगे, दिमाग में जो तुम्हारा चित्र बन रहा था कि हमको भगवान नटराज की ऐसी मूर्ति बनानी है ना, तो तुम्हारे दिमाग में उस दिमाग में जो चीज था उसको क्या तुम वैक्स का पैटर्न बनाएंगे। yes. तो सबसे पहले क्या किया तुम पैटर्न बनाओगे, पैटर्न बनाओ तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा पैटर्न होगा कि नहीं भाई ठीक। फिर उसके बाद तुम क्या करोगे मोल्ड बना लो, मोल्ड बना लोगे कि नहीं। यस मोल्ड बनाने के बाद मेल्टिंग एंड सॉलिडिफिकेशन, मतलब जिस चीज का तुमको अंदर में भेजना है, जैसे आयरन का कास्ट करना है या फिर ब्रॉन्ज का कास्ट करना है या फिर एल्यूमिनियम का कास्ट करना है, तो ये तीनों चीज को कहाँ मेल्ट कर लोगे, कहीं पे मेल्ट कर लोगे। फिर लैटल से लाओगे, लैटल दिखाएंगे तुमको क्या होता है लैटल ठीक है ना। तो लैटल से लाओगे फिर तुम क्या करोगे, ये देख रहा है, ये इसी को बोलते हैं क्या लैटल बोलते हैं, क्या बोलते हैं लैटल। कंटेनर होता है चम्मच की तरह, कढ़ाई मतलब सॉरी एक कंटेनर रहेगा जिसको तुम मोल्टेड मेटल लाओगे और यहाँ पे तुम क्या किए पोर कर दिए, यहाँ पे क्या किए तुम पोर कर दिए। अब अंदर जाएगा सॉलिडिफाई हो जाएगा, ये मिल जाएगा वहां, अरे है कि नहीं। दिस इज फाइनल प्रोडक्ट दैट यू आर सीकिंग टू गेट आउट ऑफ दिस कास्टिंग, isn't it? समझ आ रहा है कि लोगों क्या बोल? Yes. अब देखो निकलने के बाद melting solidification, मान लो तुम कास्ट जो मोल्ड था उसको तुम तोड़ दिए या फिर परमानेंट मोल्ड है तो तुम मोल्ड अलग अलग कर लिए, तो ये तुम्हारा प्रोडक्ट मिलेगा एंड दिस इज व्हाट यू वांट। तो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए क्या होगा? वांटेड चीज को तुमको तोड़, मैशनिंग करके निकालो, इसको तोड़ दोगे क्या भाई? हाँ तोड़ लोगे क्या इसको? मैशनिंग करके निकालोगे ना भाई, ठीक है। तो फेटलिंग बोलते हैं, सो क्या बोलते हैं एग्जाम में पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय फेटलिंग इन कास्टिंग। ओके, फेटलिंग मींस रिमूवल ऑफ अनवांटेड पार्ट। फेटलिंग मींस सिंपल रिमूवल ऑफ अनवांटेड, जो अनवांटेड चीजें उसको क्या किए काट कूट के निकाल, समझे कि नहीं? अब इसको एक्शन, अब ये जो मार्क बना, ठीक है, आपको तो मार्क है कि नहीं, भेजने से पहले उसको टेस्ट वोस्ट करोगे कि नहीं? कैसे भेज दोगे? ऐसे लगा दोगे इंजन में, पता 5000 पे पड़ा, पिस्टन खराब ये हो गया, टूट हो गया, टूट गया, ठीक है, तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा कि नहीं भाई? तो उससे पहले टेस्ट करोगे कि नहीं? यस सर, ठीक है, उसको टेस्ट कर लेंगे। एनडीटी टेस्टिंग है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग भी है, लेकिन एनडीटी टेस्टिंग आजकल यूज करते हैं, मतलब बिना सामान को बर्बाद किए वो उसका टेस्टिंग कर लिए, समझ गए कि नहीं? समझ रहे हो ना क्या बात कर रहे हैं? पूरा प्रोसेस समझ गया ना? ये कास्टिंग में क्या हो रहा था? सबसे पहले क्या किए? पैटर्न बनाया, फिर उसके बाद क्या किए? मोल्ड बनाया, फिर उसके बाद क्या किए? मेल्टिंग एंड सॉलिडिफिकेशन, फिर उसके बाद क्या किए? फेटलिंग, अनवांटेड चीज को काट कूट के निकाल दिए, फिर उसके बाद क्या किए? इंस्पेक्शन किया और सामान तुम्हारा फिर क्या है? रेडी, ठीक है, समझ पा रहे हो ना? ठीक है, ये पूरा प्रोसेस को इसमें दिखाया गया, ठीक है। क्या है यहाँ पे देखो, आदमी बना रहा है क्या? पैटर्न, सॉरी पैटर्न यहाँ पे बना रहा है, ठीक है, और सैंड यहाँ पे रेडी हो गया तुम्हारा, उसको तुम कहाँ भेजो? यहाँ मोल्ड का सेटअप हो रहा है, मोल्ड असेंबली है, पैटर्न आया, यहाँ से बालू रेडी होकर आया, यहाँ पे पैटर्न और बालू को यूज करके मोल्ड बना लिया, ठीक है। मोल्ड बनाने के बाद देखो क्या किया है? मोल्टेन मेटल आया यहाँ से, ठीक है ना, मोल्टेन मेटल होने के बाद उसमें डाला, ठीक है, पोरिंग किया, दिख रहा है भाई तुमको? ये फर्नेस है, फर्नेस में यहाँ पे मेल्ट हो रहा है, ठीक है, उसके बाद क्या किया? यहाँ पे पोर किया, ठीक है ना, पोरिंग करने के बाद क्या किया भैया? सॉलिडिफाई हो गया, सॉलिडिफाई करने के बाद शेक आउट एंड सैंड को बाहर निकाल, शेक आउट मतलब ऐसे ऐसे हिला करके जो भी अनवांटेड चीज था उसको बाहर निकाल, कोई दिक्कत है? उसके बाद देखो क्या? क्लीनिंग, जो अनवांटेड चीज है उसको बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद देखो क्या है? यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है? इंस्पेक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, और जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसको काट कूट के हम लोग निकाल दिए, समझ गए ना? ये स्लाइड क्लियर है, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब देखो ये जो पूरा सैंड कास्टिंग है, तुम देखो इस चित्र से तुमको अच्छे से क्लियर हो गया, समझ पा रहे हो कि नहीं? अब देखो वो क्या है? सैंड कास्टिंग। अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सैंड कास्टिंग, ठीक है ना। ये किस प्रकार का कास्टिंग है? एक्सपेंडेबल मोल्ड, एक्सपेंडेबल मोल्ड, ठीक है। बनाने के बाद क्या करना है? तोड़ देना है मोल्ड, ठीक है, और अगला बार जो भी प्रोडक्ट बनाना चाहते हो उसके लिए फिर से तुमको क्या करना पड़ेगा? सेम प्रोसेस बार बार करना पड़ेगा, गॉट इट? यस, ठीक, चलो। और इसमें क्या मिल सकता है? इसकी खासियत क्या है? बहुत इंट्रिकेट शेप, बहुत इंट्रिकेट शेप। मास प्रोडक्शन में इसको यूज करोगे क्या? नहीं यूज करोगे, क्या करना? बार बार तोड़ना है भाई, यस, ठीक है, बना करके तोड़ते ही रहोगे क्या? बहुत ही बुद्धिमान है ना, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या किया? ये तुम्हारा पैटर्न है, क्या दिख रहा है? पैटर्न दिख रहा है तुमको? पैटर्न को बॉटम बोर्ड पे रख लिए, क्या किया? बॉटम बोर्ड पे रख लिए, समझ रहे हो नहीं? यस, ठीक है। अब देखो बॉटम बोर्ड पे रखने के बाद ऊपर में क्या किया हम लोग? अरे बालू डाल रहे हैं भाई, अरे कोई दिक्कत है क्या? नहीं, इसमें बालू डाल, डालने के बाद क्या बोल रहे हैं? सैंड कॉम्पैक्शन। और ये क्या है? देखो कोप है, ये क्या है? देखो मान लो ये पूरा तुम्हारा मोल्ड है, ठीक है, ये तुम्हारा कैविटी है, ठीक है, समझ आ रहा है? यस, तो ये कैविटी जो बना रहे हो, ठीक है, ये क्या लगता है? पूरा मोल्ड को एक ही बार में बना दोगे क्या? इसको दो भाग में बनाओगे तो ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं? कोप, नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं? ड्रैग, क्या बोलते हैं? ड्रैग। तो ये कोप के बारे में बात कर रहे हैं, जो कोप में करें तो वही ड्रैग, समझ पा रहे हो? कोप ड्रैग मिला, दोनों को मिला, अब कस दिए, काम खत्म, समझ गए? ठीक, तो क्या किया? इधर पैटर्न रखे इस पे बॉटम बोर्ड, ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया? ऊपर से सैंड, सैंड डाला, ठीक है, डालने के बाद जैसे आटा भरते हो, आटा भरते हो ना डब्बे में, तुमको लगता है कि आप तो जाएगा ही, फिर क्या करते हो? शेक करते हो कि नहीं? यस, शेक करने से क्या होगा? अंदर में जो गैस इंट्रैप हो गया होगा वो बाहर निकल जाएगा और फिर से जगह बन जाता है। तो तुम सोच रहे हो कि नहीं नहीं भैया तो फुल हो गया जगह, नहीं, तो उसको क्या करना है? कॉम्पैक्ट करना है, ठीक है ना, समझ रहे हो कि नहीं? फिर उसके बाद क्या है? सैंड स्क्रैपिंग, मतलब ऊपर जो एक्स्ट्रा सैंड होगा उसको क्या किया? इसके द्वारा निकाल लेते क्या हुए? यस, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, समझ पा रहे हैं कि नहीं लोग? यस, इस डायरेक्शन में मूव करेगा और अनवांटेड प्लांट सॉरी सैंड होगा वो बाहर निकाल देगा। अब देखो फिनिश्ड कोप मोल्ड, मोल्ड जो है ऊपर वाला जो मॉडल था वो फिनिश हो गया। समझ गया कि नहीं तुमको? वैसे तुम क्या किए, नीचे में बना है कि नहीं? यस। तो तुम लोग क्या किए? कोई दिक्कत भाई? ये साइड कास्टिंग पूरा एक ही बार में क्लियर होगा कि नहीं? चलो आ जाओ। हाँ, ये भी वही है, दूसरा भी चित्र है, इसके माध्यम से भी वही बताना चाहते थे जो हम पिछले वाले स्लाइड के माध्यम से बताना चाहते थे। ठीक है, एक बार देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, ये देखो बनने के बाद क्या किया, यहाँ पे डाल रहे हैं, उसमें पोर कर रहे हैं, क्या मॉडल में जाएगा अंदर में, सॉल्टिफाई होने के बाद ये बोला तुम्हारा क्या बन गया, प्रोडक्ट मिल गया। समझिए कि नहीं? समझ रहे हो ना? अब आ जाओ, देखो ऊपर से जो बालू डाल रहे थे ना भाई, हाँ, बालू डालने का डिफरेंट तरीका है। बालू डालने के बाद कॉम्पैक्ट तो करना है ना, ठीक है, डिफरेंट तरीका। अब ये देखो सैंड स्लिंगर बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं? सैंड स्लिंगर। दिस इज व्हाट मोल्डिंग मशीन, दिस इज व्हाट मोल्डिंग मशीन। अब देखो ये पंखा घूम रहा है, ठीक है, स्लिंग करना मतलब देखो जैसे एक रस्सी में या फिर गमछी में या फिर, हाँ, तो पहले देखे होंगे शिकारी लोग इसको यूज करते थे तरीका, पत्थर उसको रख लिए और ऐसे ऐसे करके घुमाते थे, ठीक है, घुमा करके छोड़ देते, तो बहुत स्लिप ज्यादा लगी नहीं, yes, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्लिंगर। उसको क्या बोलते हैं? स्लिंग, अंग्रेजी में, ठीक है, अपनी भाषा में जो तुम समझ लो, ठीक है ना। तो ये क्या है? सैंड स्लिंगर। देखो ये रोटेट कर रहा है, अब बालू क्या करेगा, स्पीड में फेंकेगा कि नहीं इस पे, और ये तुम्हारा पैटर्न है, क्या है पैटर्न, ये बॉटम बोर्ड हो गया, ये पैटर्न हो गया, ये ऊपरी हिस्सा है कोप, समझ रहे हो, फ्लास्क है, वो मोल्डिंग फ्लास्क है जिसके अंदर में सैंड भरना है तुमको। अब तुम ऐसे डाल देते हैं हाथ से भी है, जैसे चावल डालते हो वैसे डाल दिए, तो जाके कॉम्पैक्ट हो जाएगा क्या भाई? नहीं होगा। क्या कर रहा है? साइंस लिखकर वही ना कर रहा है, तेजी से भेजेगा उसको, तो उस पे जाके पूरा चिपक जाएगा, है कि नहीं? समझ पा रहे हो? तो ये साइंस लिखकर क्या हो गया? मोल्डिंग मशीन हो गया, ठीक है, एग्जाम में पूछता है। अब दूसरा देखो क्या है? जॉल्टिंग मशीन। जॉल्टिंग क्या है? जैसे क्या बोले तुम, आटा भरना है डब्बे में आटा डाले, फिर ऐसे से हिलाते हो कि नहीं, हिलाते हो कि नहीं, जॉल्ट करते हो उसको, क्या करते हो? शेक कर रहे हो, जॉल्ट कर रहे हो उसको, इंग्लिश में जॉल्ट का मतलब देख लीजिएगा, शेक करना हो, समझ गए नहीं? तो उससे भी क्या होगा? कॉम्पैक्ट हो जाएगा, जॉल्टिंग मशीन हो गई, अरे कि नहीं। अब तीसरा क्या है? स्क्वीजिंग, स्क्वीजर मशीन। सैंड था, ऊपर मशीन आया, वो क्या करेगा? स्क्वीज करेगा, दबाएगा, ये क्या करेगा? दबाएगा, कॉम्पैक्ट, अरे कि नहीं। अरे तुम ऐसा नहीं ना कि पैटर्न निकालने के बाद जो मोल्ड मिला उसमें मोल्टेड मेटल जैसे डाले वो छेद करके भागे तो जो शेप चाहिए तो वो मिलेगा तुमको भाई, एक प्रकार का डिफेक्ट हो जाएगा ना, इसका अपना भी कोई स्ट्रेंथ होना चाहिए ना, इंटैक्ट रहे। मोल्टेड मेटल जब डालो तो ये अपना शेप मेंटेन रखे, इंटैक्ट रहे, गॉट इट, है कि नहीं? अब ये देखो, दिख रहा है तुमको? yes. क्या लिख दिए? सैंड बुलर। देखो सैंड कास्टिंग में क्या क्या होता है? देखो सैंड होता है, ठीक है, प्लस क्या रहेगा? बाइंडर। बाइंडर मतलब क्या हो गया? सरल भाषा में तुम सीमेंट समझ लो, क्या समझ लो? सीमेंट क्या करेगा? दो बालू के कणों को जोड़ देगा, बाइंड करेगा, ठीक है ना, समझ पा रहे हो? नहीं तो ऐसे बालू में रख के मोल्टेड मेटल डाल दो, मिल जाएगा क्या शेप? नहीं मिलेगा भाई। क्या चाहते हो कि तुम अपना शेप वो मेंटेन रखे, इंटैक्ट रखे, इजंट इट, ठीक है। तो ये देखो सीमेंट क्या करता है, तब तक बालू और सीमेंट को ऐसे भी मिला दो, तब तक शेप पकड़ेगा क्या? नहीं पकड़ेगा। तब तक तुम क्या करोगे? पानी क्या है? एक्टिवेटिंग एजेंट है, क्या करेगा? वो एक्टिवेट कर देगा किसको? सीमेंट को एक्टिवेट करेगा, तो काम करेगा अपना क्या? जोड़ने के लिए, है कि नहीं? समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे सीमेंट नहीं यूज करते हैं सीमेंट यूज करते हो क्या भाई? कॉस्टली है ना सीमेंट, ठीक है। तो सीमेंट की जगह पे क्या यूज होता है? नेचुरल बाइंडर कौन सा है? क्ले। क्या है? क्ले। अब क्ले भी डिफरेंट टाइप का होता है, सरल भाषा बताते हैं। मुल्तानी मिट्टी सुने हो नहीं? तो मुल्तानी मिट्टी एक प्रकार का क्या है? क्ले, ठीक। तो उसमें थोड़ा सा पानी डालो, तुम देखो चिपचिपा हो जाता है, हो जाता है कि नहीं? ठीक है, ज्यादा पानी नहीं डालना, ज्यादा पानी डालोगे तो बह जाएगा ठीक है, आप तो बोले थे सर पानी डाल दीजिए एक्टिवेट हो जाएगा, आप तो बाहर, अब तो ये बह जा रहा है, हम ऐसा नहीं बोले थे कि हंसा के पानी डाल दीजिए ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है। अब देखो ये डिफरेंट मशीन है। अब देखो सैंड और बाइंडर, ठीक है, सैंड और बाइंडर तुम किस में डाले? सैंड मूलर में डाले। सैंड मूलर ये एग्जाम में बार बार पूछता है कि मूलर क्या है, किससे रिलेटेड है? वेल्डिंग से रिलेटेड है कि फॉर्मिंग से रिलेटेड है कि कास्टिंग से रिलेटेड है? तो मूलर किससे रिलेटेड है? कास्टिंग से। तुम सैंड और बाइंडर को डाले किसमें? मशीन में डाले, दिख रहा है तुमको? मशीन दिख रहा है कि नहीं? अब ये घूमेगा अंदर, वो क्या करेगा? उसको अच्छे से मिला देगा, समझ रहे हो? मोल्डिंग सैंड प्रिपरेशन का एक मशीन, क्या मूल, समझ गए कि नहीं। अब देखो स्प्रू के रैमर, अब देखो ये रैमर, रैमर अभी बता देंगे तुमको। जैसे मान लो घर बनता है तो घर का फ्लोर बनता है ना, तो फ्लोर में पहले ईंटा डालते हैं तोड़ करके, ठीक है, तोड़ने के बाद उसको थासते हैं, उसको क्या करते हैं इंग्लिश में रैमिंग बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं रैमिंग बोलते हैं। रैमिंग किस लिए करते हैं भैया हम लोग, कॉम्पैक्ट हो जाए, स्ट्रेंथ बढ़ जाए ना उसका, यस सर। अरे समझ रहे हो कि समझ रहे हो ना, अंदर कोई गैप वैप टूटना है, वो क्या है रैमर, ये यूज होगा इसमें। तो ये छोटा सा कास्टिंग के बारे में मत सोचो तुम सोचो कि लेथ का बेड बना रहा है तो बहुत बड़ा है ना वो, तो उसमें क्या करेंगे ऊपर से आके रैमिंग करते हैं, 4-5 आदमी लोग लग जाते हैं इसको लेकर के रैमिंग करते हैं, ठीक है, ताकि कॉम्पैक्ट हो जाए, ठीक है, अपना शेप इंटैक्ट रखे एट द टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन, इजंट इट। जैसे वोल्टेज बटन डाले छेद करके भागे, काम खत्म, इतना मेहनत की वो सब खत्म हो गया, समझ गए कि नहीं क्या बोल रहे हो, ठीक। अब ये स्क्रू पिन और एक वेल्डर रॉड है, चित्र दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है कि नहीं। देखो स्क्रू पिन देखो क्या है, टैपर्ड है थोड़ा सा, क्या है ये टैपर्ड, दिख रहा है तुमको, ठीक है। तो ये क्या है वेल्डर रॉड, वेल्ड का मतलब क्या होता है, जैसे वेंटिंग देना मतलब क्या हो गया, हवा को आदान प्रदान होने का जगह, ठीक है, यस सर, समझ पा रहे हो, ठीक है, हां वेंटिलेशन देते हैं, वहीं से आएगा क्या वेंट, ठीक है समझ पा रहे हो ना क्या बात कर रहे हो, ठीक है। और स्क्रू काटने का ये मशीन है, ठीक है, और ये वेंट बनाने का मशीन है, ठीक है, समझ पा रहे हो ना, ठीक है। हम देखेंगे इन दोनों का एप्लीकेशन कहां पे, इन दोनों का एप्लीकेशन तुमको बता दिए, क्या बताओ सैंड रोलर किससे रिलेटेड है, कास्टिंग से, करता क्या है सैंड और बाइंडर को मिक्स करता है अच्छे तरीके से, गॉट इट। अब आ जाओ इसमें, ठीक है, अब इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम लोग, ठीक है ना, अभी के लिए यहीं तक रहने देते हैं। और अगर आपको वीडियोस अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और नहीं करना तो जय श्री राम, हरा महादेव ठीक है।